गोंडवाना के गौरव गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के कहे अनुसार दादा निजी निवास पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम की अनुशंसा एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम की मौजूदगी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर बलवीर सिंह तोमर के द्वारा खातेगांव कनौर विधानसभा क्षेत्र के युवा कार्यकर्ता जो मिलकर चलने वाले गरीब आदिवासी दलित पिछड़े तबके भाइयों बहनों एवं किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने वाले जितेंद्र सिंह बालोदिया खातेगांव को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सीहोर जिला देवास के कार्यकर्ता द्वारा बधाई दी गई। सर्वप्रथम तो मैं हमारे गोंडवाना रत्न दादा श्री हीरा सिंह मरकाम जी को के चरणों में प्रणाम करता हूं और बारंबार नमन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुलेश्वर जी मरकाम उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं और हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री बलवीर सिंह जी तोमर और सभी मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता जो गोंडवाना के सिपाही हैं, इन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है कि आज मुझे प्रदेश प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा बनाया गया है और पूरे प्रदेश की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात यह है कि आज प्रदेश में, प्रदेश कह लो या आप ही तो पूरा देश कह लो, कभी कांग्रेस द्वारा ठगा गया, कभी बीजेपी द्वारा ठगा गया, उस बीच में यदि तीसरे विकल्प के रूप में काम कर रही है तो वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी वर्गों की है, चाहे वो ओबीसी का हो, आदिवासी हो या हरिजन हो, सभी के लिए काम कर रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और जितने भी पिछड़े हैं, जो हमारे गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको लेके गोंडवाना आंदोलन चला रही है, किसान को लेके आंदोलन चला रही है और इसमें हम पूरे प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी एक साफ सुथरी छवि लेके आगे बढ़ रही है और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं उसके लिए भविष्य में काम और भी ज़्यादा मेहनत से करूँगा।